Hello students, welcome to the e-learning class. Today I am going to discuss the second topic of chapter Source of Business Finance. In this chapter I will discover the topic that is the source of raising finance, that is the equity shares, preference shares and the retained earnings. So in the previous we will discuss about the various sources of business finance. कि बिजनेस फाइनेंस को कहाँ कहाँ से फाइनेंस मिलता है, कहाँ कहाँ से फंड्स लाते हैं, कैसे कौन कौन से पार्ट्स है, ओनर्स फंड क्या है, बोरोस फंड्स क्या है और कितने टाइप्स के फंड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिडिल टर्म, तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़े थे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस. सोर्स जब हम फाइनेंस रेज करते हैं कहाँ से लाते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इक्विटी शेयर एंड प्रिफरेंसेस. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में हम लोग को दो टाइप्स के फंड्स मिलते हैं, एक होते हैं शेयर्स कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग. सो इन द शेयर्स कैपिटल वी विल डिस्कस अबाउट द इक्विटी शेयर्स एंड द प्रेफरेंसेस, देन वी विल डिस्कस अबाउट द रिटेन्ड अर्निंग. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में कितने टाइप्स के फंड्स है, शेयर्स कैपिटल, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग. ठीक है, ये आप लोग का कौन सा टाइप्स ऑफ फंड्स था, लॉन्ग टर्म फंड्स था, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस था, इसको हम लोग बोलते हैं द बेसिस ऑफ ओनरशिप में आते हैं. ठीक है, सो बिफोर वी गोइंग टू द इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस, फर्स्ट वी नो व्हाट इज द शेयर कैपिटल, व्हाट इज शेयर कैपिटल, व्हाट इज शेयर. तो हम लोग ये जो हम लोग ओनर इक्विटी शेयर्स कैसे लाते हैं, तो बाय इशूइंग द शेयर्स. तो इशूइंग द शेयर्स क्या है, शेयर्स क्या है, शेयर्स कैपिटल क्या है, फर्स्ट वी डिस्कस. तो फर्स्ट वी नो व्हाट इज द शेयर कैपिटल. The share capital is that mobilized by issuing the share is called a share capital. जो shares को हम लोग इकट्ठा करके जब issue of shares करते हैं उसको जो capital होता है उसको हम लोग बोलते हैं as a shares capital. मतलब by issuing the shares when we get a money या fund that is known as a shares capital. और इसको से मतलब जो हमने suppose हमने 100 shares issue किया तो 100 shares का एक shares का दाम 10 rupees है. 10 रुपीज को 100 इंटू 10 तो 1000 क्या हो जाएगा, हमारा सेल्स कैपिटल. क्लियर, तो सपोज आपका शेयर कैपिटल, आपके पास 10,000 शेयर्स है, आपने 10 रुपीज एक शेयर्स का दाम है, तो आपको जो फंड्स जो कलेक्ट हो रहा है उसका कितना हो रहा है, 10,000 इंटू 10 इट विल बी 1 लाख. तो 1 लाख विल बी योर सेल्स कैपिटल. ठीक है, तो ये सेल्स कैपिटल क्या रहा है, ये सेल्स कैपिटल क्या, जो लमसम अमाउंट ऑफ मनी जो एक साथ आपको कंपनी को मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एज अ सेल्स कैपिटल. वो ये अलग अलग लोगों से लिया जा रहा है, कंपनी को तो फाइनेंस की जरूरत है, उसको ये नहीं प्रॉब्लम है कि वो कहाँ से ला रहा है, चाहे वो टुकड़ों में आ रहा है चाहे इकट्ठा आ रहा है लमसम में. तो वो सेल्स में होता है, सेल्स क्या होता है, जो छोटे छोटे पार्ट में हमको डिवाइड करके एक लमसम अमाउंट दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एज अ शेयर कैपिटल. तो शेयर कैपिटल दैट मोबिलाइज बाई इशूइंग द शेयर इज कॉल्ड अ शेयर. जो हम लोग शेयर्स को इश्यू करके जो कैपिटल पा रहे हैं, जो फंड पा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल. मीन्स द फंड विच आर गेटिंग बाय इशूइंग द शेयर्स इज नोन एज द शेयर कैपिटल. क्लियर, ना ये कैपिटल पहले से ही कंपनी में ऑलरेडी मेंशन रहता है. क्यों मेंशन रहता है, कि ये कंपनी जब भी आपका होता है तो ये कैपिटल पहले से ही मेंशन था कि हमको कंपनी को इतनी ज्यादा फाइनेंस की जरूरत है. लेट्स सी, कैपिटल इंफॉर्मेशन इज मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो आप लोग हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो द मेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, जो मेन डॉक्यूमेंट. तो ये जो भी कैपिटल इन्फॉर्मेशन कि हमारी कंपनी को कितनी फाइनेंस की जरूरत है किसमें मेंशन रहता है, इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इसको मेंशन किया जाता है. ना इट इज कॉल्ड एज अ रजिस्टर्ड कैपिटल. इसको हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं. देखो सेल्स कैपिटल को हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल, क्योंकि ये ऑलरेडी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहता है, इसलिए हम लोग उसको रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं. नाउ द रजिस्टर्ड कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल यूनिट ऑफ अ गिवन अमाउंट. फिर जो रजिस्टर्ड कैपिटल क्या बोला है, एक स्मॉल यूनिट को एक गिवन अमाउंट में डिवाइड कर दिया जा रहा है. एक स्मॉल यूनिट ऑफ द रजिस्टर्ड कैपिटल इज कॉल्ड अ शेयर. होगा जो रजिस्टर्ड कैपिटल हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहता है उसको एज अ स्मॉल यूनिट में लोग डिवाइड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एज अ शेयर. तो सपोज हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल कितना है, 5 लाख. ठीक है, 5 लाख. तो ये तो हो गया हमारा शेयर कैपिटल, ये हो गया शेयर कैपिटल. ठीक है,
नाउ अब शेयर्स क्या हो गया, शेयर्स क्या हो गया, इसको हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 50,000 शेयर्स को हम लोग इंटू 10 करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा हमारा शेयर्स। ये 50,000 शेयर्स हमको इश्यू करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ इस शेयर्स का दाम कितना हो जाएगा 10 रुपीज। तो ये हो जाएगा हमारा शेयर्स कैपिटल और ये हो जा रहा हमारा शेयर। तो ये 5 लाख को हम लोग इसमें डिवाइड किए हैं, छोटे पार्ट में डिवाइड 50,000, मतलब 50,000 शेयर्स, मतलब एक शेयर का दाम हमारे पास 10 रुपया, तो ये 10 रुपया हमारा शेयर्स हो जाएगा। तो ये हमारा शेयर्स का लाएगा, तो जो अमाउंट हमारा शेयर्स में रहेगा उसको ही हम लोग एज ए लमसम अमाउंट में बोलते हैं शेयर का। हैव यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन द शेयर कैपिटल एंड द शेयर्स? शेयर्स कैपिटल शेयर्स में क्या डिफरेंट है? शेयर्स कैपिटल को जो स्मॉल यूनिट में डिवाइड करके कलेक्ट किया जा रहा फंड उसको हम लोग शेयर्स बोलते हैं, और जो कैपिटल को स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर दिया जा रहा है उसको शेयर्स बोला जा रहा है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हाउ द फंड इज रेजिंग। दो मेथड से हम लोग फंड को रेज कर सकते हैं, फर्स्ट इज द इक्विटी शेयर्स एंड द सेकेंड इज द प्रेफरेंस। सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी शेयर्स एंड द प्रेफरेंस? इक्विटी शेयर्स किसको कहते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स किसको कहते हैं? तो फर्स्ट वी नो व्हाट इज द इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स रिफर्स टू दो शेयर्स विच आर विच डज नॉट कैरी एनी प्रेफरेंस राइट। तो इक्विटी शेयर्स किसको बोला जा रहा है? इक्विटी शेयर्स आर द दो शेयर्स विच डज नॉट कैरी एनी प्रेफरेंस राइट बट दे गेट अ वोटिंग राइट इन द कंपनी। मतलब इक्विटी शेयर्स में मतलब आता है जहां पर हम लोग आज कोई प्रेफरेंस राइट नहीं पाया जाता, लेकिन दे हैव अ वोटिंग राइट इन द मीटिंग इन द कंपनी डिसीजंस, और दे विल गेट अ डिविडेंड व्हेन द कंपनी इज अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट दे विल गेट द प्रॉफिट। तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल कलेक्शन बाय इशूइंग द इक्विटी शेयर इज कॉल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जो कैपिटल हमको मिल रहा है बाय इशूइंग द इक्विटी शेयर, मतलब इक्विटी शेयर के द्वारा जो हमको कैपिटल मिल रहा है उसको हम लोग कहते हैं आज इक्विटी शेयर्स कैपिटल। क्लियर? इक्विटी शेयर क्या है? कैपिटल कलेक्टेड बाय इशूइंग द इक्विटी शेयर इज कॉल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल। इट इज अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। मतलब इक्विटी को लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये 5 ईयर्स से ज्यादा तक इसकी कैपिटल रिटर्न नहीं होती है। ये इवन व्हेन द कंपनी इज विंडिंग अप आफ्टर गिविंग ऑल द डेट प्रेफरेंस डिविडेंड देन द इक्विटी शेयर होल्डर गेट देयर कैपिटल। मतलब जब भी अगर कंपनी विंड अप हो रहा है तभी इक्विटी शेयर होल्डर्स को उसकी कैपिटल मिलेगी। वो भी कब मिलेगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की डिविडेंड देने, उनके कैपिटल देने, पूरे डेब्ट कवर करने के बाद अगर जो रेसिडुअल इनकम बचता है उसी से इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैपिटल और डिविडेंड मिलता है। क्लियर? तो मेन डिफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर का कि कैपिटल इट इज अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड दे गेट अ डिविडेंड आफ्टर गेटिंग द डिविडेंड ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर देन दे गेट अ डिविडेंड। और जब पहले प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाएगा तब जाके इनको दिया जाता है डिविडेंड। क्लियर? द इन्वेस्टर टू होम इक्विटी आर इशू आर कॉल्ड इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर किसको था? जो इन्वेस्टर इक्विटी शेयर खरीद रहे हैं उसको हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर बोल रहे हैं। द इन्वेस्टर मतलब जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, दे आर द ओनर ऑफ द फर्म। इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग ओनर ऑफ द फर्म भी बोलते हैं क्योंकि इन लोग कैपिटल लगा रहे हैं। ठीक है? द इन्वेस्टर टू होम द इक्विटी आर इशूड आर कॉल्ड इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर? नाउ दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। अभी हमने बताया दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी बिकॉज दे डज नॉट गेट द कैपिटल एवन दे गेट द कैपिटल ओनली आफ्टर द विंडिंग ऑफ द कंपनी। जब कंपनी विंड अप होगा तभी इनको कैपिटल में, इनको इस बीच में कभी भी कैपिटल नहीं ये अपना रिटर्न कर सकते। द रेट ऑफ डिविडेंड इज डिपेंड अपॉन द अर्निंग ऑफ द प्रॉफिट। मतलब इनका रेट ऑफ डिविडेंड भी इनके प्रॉफिट अर्निंग पर भी डिपेंड होता है। क्लियर? दे हैव द फुल राइट टू वोट इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी। नाउ दे हैव अ फुल राइट टू वोट मतलब इन द कंपनी डिसीजन द इक्विटी शेयर होल्डर हैव अ राइट टू वोट इन द कंपनी डिसीजन। मतलब राइट टू वोट यहाँ पर वोट ही मतलब कंपनी के जो भी डिसीजन में इनका ताकि ये बोल सकते हैं क्योंकि आज दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। क्लियर? नाउ रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स एंड डिविडेंड इज पेड आफ्टर द पेमेंट डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मतलब यार रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स एंड द रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड अपॉन द अर्निंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कंपनी। क्लियर? और रेट ऑफ डिविडेंड इज पेड ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। पहले
डिविडेंड दे दिया जाएगा तब इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड है, मतलब दे आर ऑल्सो नोन एज द रेसिडुअल इनकम, दे गेट इनकम फ्रॉम द रेसिडुअल, मतलब जब सब चीज देने के बाद जब उनका इनकम बचेगा तभी इक्विटी शेयर होल्डर्स को एज अ प्रॉफिट डिविडेंड मिलेगा. क्लियर ना. इन्वेस्ट इन इवेंट ऑफ विंडिंग ऑफ द कंपनी दे गेट बैक देयर कैपिटल. इन केस ऑफ विंडिंग ऑफ कंपनी देन ओनली द इक्विटी शेयर होल्डर गेट बैक देयर कैपिटल, इन द मिडिल दे विल नॉट गेट देयर कैपिटल. ठीक है, तो जब भी कंपनी का विंड अप होगा तभी ये कैपिटल रिटर्न हो सकता है, अदरवाइज देयर कैपिटल विल बी ऑलरेडी फिक्स्ड इन द कंपनी. ठीक है, दीज आर द डेफिनेशन एंड द फीचर्स ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द प्रेफरेंस शेयर. व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर? इट रिफर्स टू दोस शेयर्स व्हिच कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड. ठीक है, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस मतलब दे हैव दिस शेयर होल्डर गेट सर्टेन प्रेफरेंशियल राइट. प्रेफरेंशियल राइट मतलब दिस शेयर होल्डर्स को सर्टेन प्रेफरेंशियल राइट एज कम्पेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर. मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एज कम्पेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर दे गेट अ सर्टेन प्रेफरेंशियल राइट. वो क्या सर्टेन प्रेफरेंशियल राइट है? टू स्पेशल प्रेफरेंस गिवन. पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड हियर. The payment of dividend is fixed in preferential equity, whether the company is under the loss or a profit, this preference shareholder get a profit from their dividend. ठीक है, ये दिया गया है. एक पहला preference दिया गया है preference shareholders को. Now second preference क्या गया? The repayment of investment amount during the winding up. मतलब investment में at the time of winding up the company जो भी इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस सोर्स होल्डर है उनको वो पेमेंट देना. इक्विटी सोर्स होल्डर में भी तो पेमेंट कर रहा है लेकिन आफ्टर द रेसिडुअल इनकम, मतलब आफ्टर द रेसिडुअल बचने के बाद इक्विटी सोर्स होल्डर को दिया. लेकिन इनको है गारंटी दिया जाता है कि आपका जब भी हमारी कंपनी विंड अप होगा आपने जितना भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया आपको वो कैपिटल रिटर्न किया जाएगा. तो दीज आर द टू स्पेशल प्रेफरेंस राइट्स गिवन टू द शेयर होल्डर इन द प्रेफरेंस शेयर. ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स में जो डिफरेंस लाता. बाकी तो सब में सब है एक ही चीज है, बस यही दो स्पेशल प्रेफरेंस राइट दिया गया. अनदर पॉइंट इज दैट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डज नॉट गेट वोटिंग राइट इन द कंपनी डिसीजन. मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं दिया गया एज कम्पेयर टू द प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर. क्लियर, तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में क्या डिफरेंस है कि प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी से बहुत ज्यादा ओनर्स द कैपिटल बट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट अ सर्टेन प्रेफरेंशियल राइट दैट हियर डिविडेंड इज फिक्स एंड ही विल बी गेट अ रिपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर द विंडिंग ऑफ द कंपनी. बट द शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स दे विल गेट अ देयर डिविडेंड आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट द डिविडेंड एंड इवन आफ्टर द विंडिंग ऑफ द कंपनी द इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट देयर कैपिटल ओनली आफ्टर द रेसिडुअल इनकम. Clear? Student, come to our next topic. Our next topic is types of preferences. So there are 8 types of preferences are issued by the company to the shareholder. मतलब जो preference shareholders होते हैं, जो preference equity shares को जो issue होते हैं, वो 8 different types of preferences में रहते हैं. So first we'll discuss about the what is convertible preference shares. What is convertible preference shares? Convertible preference shares are those shares in which the shareholders want to convert their preference shares into equity shares. मतलब जो preference shareholders चाहते हैं कि अपना equity preference shares को as a equity shares में convert करना चाहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं as a convertible preference shares. But after a lapse of the period, मतलब जैसे आपने एक बार preference shares ले लिया तो एक आप एक particular time period के लिए ले लिया है तो उस टाइम पीरियड के लैप्स होने के बाद ही आप उसको कन्वर्ट करते हैं. मीन्स द प्रेफरेंस होल्डर वांट्स टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स इज नोन एज द कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. क्लियर, मतलब जो प्रेफरेंस होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको हम लोग एज अ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं. नाउ व्हाट इज नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर? जस्ट द ऑपोजिट ऑफ convertible preferences. Means here the preference shareholder does not get the right to convert their preference share into equity shares.
यहाँ पर प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई राइट नहीं मिलता है कि आप अपने प्रिफरेंस शेयर्स को आधे इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट करें, उसको बोलते हैं आधे नॉन कन्वर्टेबल शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रिफरेंस शेयर, मतलब आप प्रिफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, क्लियर? दिस इज नॉन कन्वर्टेबल. नाउ व्हाट इज क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर? क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर्स मींस द प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स गेट अ सर्टेन फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, ये आप लोग को मालूम है. बट इन केस व्हेन द कंपनी इज नॉट अर्निंग अ प्रॉफिट देन द प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स गेट अ देयर प्रॉफिट इन द नेक्स्ट ईयर व्हेन द कंपनी विल अर्न प्रॉफिट. मतलब यहाँ पर क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को एक राइट मिला गया. सपोज किसी कंपनी ने उस साल प्रॉफिट नहीं अर्न कर लिया तो उसने उसको डिविडेंड नहीं किया गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब कंपनी अर्न कर रहा है प्रॉफिट देन द कंपनी हैज टू पे अ डिविडेंड अलॉन्ग विद द करेंट डिविडेंड हैव टू पे अ डिविडेंड टू द प्रिफरेंस शेयर होल्डर. दिस इज नोन एज द क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर. मतलब जो करंट ईयर में जो प्रॉफिट हो रहा है और जो एरियर है मतलब जो डिविडेंड ड्यू है वो डिविडेंड और करंट ईयर का डिविडेंड को लेकर उनको पेमेंट करना पड़ेगा. दिस इज नोन एज द क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर. क्लियर? क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस में मीन्स इफ द एनी कंपनी इज नॉट पेइंग अ डिविडेंड टू द प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स देन ही विल पे अ डिविडेंड इन द नेक्स्ट ईयर अलॉन्ग विद द एरियर एंड द करंट डिविडेंड ऑल्सो. क्लियर? नेक्स्ट नॉन कम्युनिटी प्रिफरेंस शेयर. नॉन कम्युनिटी प्रिफरेंस शेयर हियर द प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स डज नॉट गेट द डिविडेंड ऑफ द एरियर. मतलब जो एरियर मतलब जो ड्यू डिविडेंड है वो उसमें से प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड करंट ईयर्स में नहीं मिलेगा. मतलब सपोज कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ उस साल कंपनी ने किसी को डिविडेंड नहीं पेमेंट किया, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर उनको ह्यूज प्रॉफिट हुआ है तो ऐसा नहीं कि वो पिछला पेमेंट नहीं करेगा. जो डिविडेंड को जो पिछला पेमेंट है वो क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस में ही विल गेट द डिविडेंड. द शेयर होल्डर गेट द डिविडेंड इन द करंट ईयर व्हेन द कंपनी इज अर्निंग द प्रॉफिट, बट इन द नॉन क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस द शेयर होल्डर डज नॉट गेट द डिविडेंड ऑफ द एरियर. मतलब जो ड्यू पेमेंट है डिविडेंड का उसमें वो पेमेंट नहीं मिलेगा. दे विल गेट अ डिविडेंड ओनली फॉर द करंट ईयर. मतलब जो करंट है जिस साल कंपनी को प्रॉफिट है ओनली दे विल गेट अ डिविडेंड एट अ फिक्स रेट फॉर द करंट ईयर ओनली. क्लियर? नाउ पार्टिसिपेटिंग द प्रिफरेंस शेयर्स. नाउ व्हाट डू मीन बाय द पार्टिसिपेटिंग द प्रिफरेंस शेयर्स? शेयर्स मींस द आफ्टर गेटिंग द इक्विटी आफ्टर डिविडेंड वॉज गेट गिवन टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड गिवन टू द प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स then after the residual income is left then from the part of the residual income the preference shares holders get a dividend. They are known as a participating preferences. Means here the preference shares holders get a dividend on the residual income after getting the dividend to the equity shares holders and a fixed rate of dividend given by the preference shareholders. Then after the residual income the preference shares holders get a dividend from the residual income, that is known as the participant preference shares. Means here equity shareholders को dividend मिलने के बाद और fixed rate of dividend preference shares को देने के बाद जो भी residual income बच रहा है कंपनी का उस dividend से as a part preference shareholders को as a dividend दिया जा रहा है, उसको हम लोग बोला जा रहा है participant preference shares. Means here the shareholders get a dividend after getting the fixed rate of dividends from the fixed rate of dividend and get a dividend from the residual income. The residual dividend matlab jo ek amount of dividend will be kept as a will be taken as a company to give a dividend to the shareholder. So agar equity shareholders ko dividend dene ke baad preference shareholders ko jo fixed rate of dividend dene ke baad ek jo part of dividend agar bachta hai usme se ek preference shareholders ko dividend diya jata hai, that is known as a participating preference shares. Means they have the preference shareholders get a dividend on the residual dividend, residual income. मतलब residual incomes में भी उनको dividend मिला जा रहा है after the equity shareholder and the fixed dividend given. ठीक है, देने के बाद उनको एक dividend मिलता है, that is known as a participant preference shares. Now, what is non-participant preference shares? Here the shareholders will get only the fixed rate of dividend in the preference shares. No dividend is given from the residual income. मतलब प्रिफरेंस शेयर होल्डर को एज अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जो दिया जाता है वही दिया जाएगा, एज अ रेसिडुअल इनकम से उनको कोई डिविडेंड नहीं दिया जाएगा. दैट इज नोन एज अ नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रिफरेंस शेयर. मींस हियर द शेयर होल्डर विल गेट अ डिविडेंड ओनली एट अ फिक्स रेट, एट अ फिक्स डिविडेंड.
मतलब फिक्स रेट में डिविडेंड, दे विल नॉट गेट अ डिविडेंड फ्रॉम द रेसिडुअल्स इनकम। मतलब कंपनी को अगर ह्यूज प्रॉफिट हुआ तो उस ह्यूज प्रॉफिट में अगर डिविडेंड जाता है इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस देने के बाद, उनको एज अ रेसिडुअल इनकम से डिविडेंड मिलता है, उसको हमें पार्टिसिपेट प्रेफरेंस देते हैं, जिसको नहीं मिलता है उसको एज अ नॉन पार्टिसिपेट प्रेफरेंस करता है। क्या ना नेक्स्ट इज द रिडीमेबल प्रेफरेंस। रिडीमेबल प्रेफरेंस मीन्स हियर द कंपनी हैज द राइट टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मतलब वो कंपनी के पास राइट है, दे हैव टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर ऑफ अ प्रेफरेंस, और किसी भी प्रेफरेंस शेयर को वो रिडीम कर, मतलब बेच सकता है। रिडीमेबल मतलब बेच सकता है, आधा कन्वर्ट मतलब बेच सकता है, उसको बोलते हैं आधा रिडीमेबल। When the company has a right to redeem the preference shares, that is known as a redeemable preference shares. And when the company has no right to redeem the preference shares, that is known as a non-redeemable preference shares. Redeemable मतलब company को जरूरत है तो वो अपने shares को बेच भी सकता है, that is known as a redeemable preference shares. And non-redeemable मतलब company has no right to redeem the preference shares. Clear? So this is the type of preference shares. We have to know what are the different types of preferences. This is the most important point of this topic. So, इसको आपको बहुत जानना जरूरी है कि कितने टाइप्स के हमारे preference shares हैं, ठीक है? You have to know very carefully. Okay? Now, next we come to the retained earning. Now, as you know, the retained earning को हमने पहले पढ़ाया। Retained earning क्या है? That is a part of the profit as a kept aside in the business for meeting the future needs of a business. मतलब एक part of the profit है जो रख दिया जाता है एज इन टू मीट द फ्यूचर नीड्स ऑफ द बिजनेस। क्लियर? नाउ इट रिफर्स टू दैट प्रॉफिट व्हिच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द शेयर होल्डर एज अ डिविडेंड। मतलब ये दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट व्हिच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट टू द शेयर होल्डर एज अ डिविडेंड। मतलब ये वो प्रॉफिट होता है जब भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, वो एक पार्ट प्रॉफिट एज अ कंपनी को असाइड एज अ जनरल रिजर्व में कैप्ट कर लेता है। आप एज अ शेयर होल्डर्स को उसके बाद जो डिविडेंड प्रॉफिट निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिवाइड दिया जाता है, ठीक है? ऐसा नहीं पूरे टोटल प्रॉफिट से कंपनी के में से शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया जाता है। पहले जो भी कंपनी के प्रॉफिट उसमें से एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विल बी केप्ट असाइड इन द फॉर्म ऑफ जनरल रिजर्व। मतलब एज अ जनरल रिजर्व में एक साइड में रख लिया जाता है, बाकी जो उसके काटने के बाद जो प्रॉफिट कंपनी का हो रहा है उसमें से हम लोग एज अ शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। तो इट इज दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द शेयर होल्डर एज। मतलब ये शेयर होल्डर्स का ही प्रॉफिट है, ओनर्स का ही प्रॉफिट है, लेकिन इसको दिया नहीं जाता, इसको एज अ केप्ट असाइड फॉर विच पर्पज, फॉर मेटिंग द फ्यूचर नीड्स ऑफ द बिजनेस, फॉर मेकिंग द कंपनी डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन। ये कंपनी की नीड्स को पूरा करने के लिए ये एज अ केप्ट किया जाता है, ताकि ये फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी हो उसको हम लोग इजिली वैसे यूज कर सके। मतलब इट इज अ केप्ट इन द फॉर्म एज अ जनरल रिजर्व, ठीक है? इसको जनरल रिजर्व के फॉर्म में एज अ केप्ट किया जाता है कि जब भी कंपनी को जिसकी फाइनेंस की जरूरत हो एज अ जनरल रिजर्व से वो यूज कर सकता है। यस, बट रिटेन्ड अर्निंग इन बिजनेस फॉर फ्यूचर यूज इन द फॉर्म ऑफ जनरल, इट इज यूज इज अ बिजनेस फॉर फ्यूचर इन द यूज फॉर्म ऑफ जनरल। मतलब ये जो हमारा जो रिटेन अर्निंग किसके लिए, फॉर द मीटिंग द फ्यूचर नीड्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है? दिस रिजर्व इज यूज बाय द कंपनी टू डेवलप एंड एक्सपेंड। ये रिजर्व किस लिए केप्ट किया था? फॉर मीटिंग द कंपनी नीड्स एंड फॉर द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन फॉर द कंपनी। मतलब ये नीड्स, ये रिटेन अर्निंग क्यों रखा जा रहा है? ताकि हम कंपनी को डेवलप कर सके आगे गए। अगर फाइनेंस है तभी हम उसको आगे कंपनी को बढ़ा सकते हैं। तो दिस रिजर्व केप्ट फॉर मेकिंग द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। इट इज ऑल्सो फॉर द फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट और सेल्स प्राइस। इट इज ऑल्सो फॉर द फ्लोइंग बैक मतलब एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट को केप्ट कर फिर से उसको कंपनी में लगाया, इसलिए हम उसको फ्लोइंग बैक प्रॉफिट और सेल्स फाइनेंसिंग भी कहते हैं। क्लियर? नाउ लेट अस लुक द मेन एडवांटेज ऑफ दिस रिटर्न अर्निंग। मेन एडवांटेज ऑफ रिटर्न अर्निंग क्या? So first, before we go into the advantage, first we know, as your parents will also make a some part of profits will be kept as a saving. क्यों save करते? To meet the future needs. So बहुत सारे हमारे needs होते हैं जो futures में uncertainty है, तो उसको भी हम नहीं जानते कि futures में क्या होता है, तो इसलिए हम लोग एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट को हम लोग भी सेव करते, ताकि फ्यूचर में कभी भी ऐसा जरूरत हो तो हम लोग इसका यूज करें। The same process that is a retained earning. Retained earning भी same thing है कि एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट को
कभी फ्यूचर इज अनसर्टेन, हम लोग ऐसे नहीं मालूम कि कभी हमारे फ्यूचर पे क्या हो सकता है, कुछ भी घटना कर सकता है, या फॉर द मॉडर्न टेक्नोलॉजी कुछ यूज हो रहा है तो हम लोग अगर फाइनेंसेस को यूज कर सकते हैं, तो इसलिए हमको रिटेन्ड अर्निंग के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास कंपनी में रिटेन्ड अर्निंग है तभी हमारा कंपनी स्मूथ करता है। दैट इज वाई वी ऑल्सो कॉल द फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड और सोल ऑफ अ बिजनेस। हम लोग कहते हैं ना फाइनेंस इज लाइफ ब्लड, क्यों? क्योंकि बिना पैसे से कुछ भी नहीं होता, कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करता। फॉर द एक्सपेंशन डेवलपमेंट वी नीड अ ह्यूज लॉट्स ऑफ फाइनेंस, कोई भी डेवलपमेंट करना तब तो फाइनेंस। तो रिटेन्ड अर्निंग के लिए हम लोग बहुत ही जरूरी है कि हम लोग एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट को रहे, ताकि तभी हम अपने फ्यूचर्स में कंपनी को डेवलप कर सकते हैं और एक्सपैंड कर सकते हैं। क्लियर? नाउ लेट अस नो द व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। हमारे क्या क्या एडवांटेज ऑफ है रिटेन्ड अर्निंग के? इट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों कहा गया? बिकॉज इफ द कंपनी नीड सम वांट सम फाइनेंस देन एट अ लो डिविडेंड दे विल गेट अ फाइनेंस, क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी फाइनेंस है, ऑलरेडी फंड है, तो वो अपना फंड रिटेन अर्निंग से मतलब जनरल रिजर्व से यूज कर सकता है। उसको बाहर से कोई फंड्स नहीं लेना पड़े, बाहर से फंड लेने एज अ हाई रेट ऑफ डिविडेंड यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर हम अगर कंपनी के फंड से यूज करते हैं तो हम एज अ लो रेट ऑफ डिविडेंड हमको दे सकते हैं। तो इट इज अ चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑल्सो। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज सेफ्टी फ्रॉम ट्रेड साइकिल। सेफ्टी फ्रॉम ट्रेड साइकिल मीन दैट सेफ्टी, एज यू नो ऑलरेडी नो, फंड हेल्प अस इन द सेफ्टी टू मीट आवर फ्यूचर नीड्स। हमारे फ्यूचर की नीड्स को हमारे फंड हेल्प करते हैं। तो सेम प्रोसेस हमारी कंपनी भी है कि फ्यूचर इज अनसर्टेन, वी डोंट नो व्हाट्स हैपेंड इन द फ्यूचर, सो द कंपनी हैव टू बी केप्ट सम रिजर्व टू मीट द फ्यूचर अनसर्टेनिटी। तो ऐसा भी तो होता है कंपनी का हर साल उस रेंज को प्रॉफिट नहीं मिलता है, तो वो भी प्रॉफिट सपोज किसी साल कंपनी को लॉस हो गया तो ये जनरल रिजर्व से वो अमाउंट ऑफ डिविडेंड और डेब्ट पेमेंट कर सकता है, वर्कर्स की सैलरी दे सकते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग ऑल्सो हेल्प एज अ ट्रेड्स ऑफ साइकिल, मतलब अगर फ्यूचर्स में हमारा लगातार लॉस होता, अगर रिटेन्ड अर्निंग हमारा रहा तभी हम लोग एज अ फ्यूचर्स को हेल्प अपनी बेनिफिट हेल्प करते हैं ताकि हम स्टैंड हो सके। अगर हमारा लॉस रिटेन्ड अर्निंग नहीं रहा तो हम बिजनेस को स्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लगातार लॉस होता रहा तो कंपनी स्टैंड नहीं हो सकता। कंपनी को स्टैंड करने के लिए फाइनेंस की जरूरत है, मशीन को रन करने के लिए फ्यूल्स की जरूरत है, वर्कर्स को सारी जगह, तभी तो हमारा बिजनेस रन करें। तो इट इज अ बहुत एज अ सेफ्टी ट्रेड साइकिल। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज अ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, इफ द कंपनी इज अर्निंग अ ह्यूज प्रॉफिट एंड केप्ट एज अ ह्यूज रिटेन्ड अर्निंग केप्ट असाइड, देन द कंपनी हैव टू हैव अ फिक्स्ड डिविडेंड पॉलिसी फॉर अ फिक्स्ड रेट। मतलब अगर उनके पास रिटेन्ड अर्निंग रहेगा तो एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड ही विल गेट ईच एंड एवरी ईयर। ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड उनको एक फिक्स्ड रेट पर मिलेगा। तो रेट ऑफ डिविडेंड इज ऑल्सो हेल्प टू एफेक्ट्स रिटेन्ड अर्निंग। जितना हमारा रिटेन्ड अर्निंग रहेगा हमारा डिविडेंड स्टेबल रहेगा। क्लियर? तो डिविडेंड से हमारा रेट ऑफ डिविडेंड कैसे बढ़े? सपोज कंपनी को किसी दिन किसी साल कम प्रॉफिट हुआ, किसी साल ज्यादा हुआ, तो कंपनी का है एज अ रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहने तो रिटेन्ड अर्निंग रहे तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉस दे विल पे द फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड एंड देन व्हेन द कंपनी अर्न अ ह्यूज प्रॉफिट दे विल देन दे विल आल्सो पे द फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड। क्लियर? नेक्स्ट, इट विल बी इजी एक्सपेंशन ऑफ कंपनी। इजी एक्सपेंशन ऑफ कंपनी, एज यू नो फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, फाइनेंस क्या है? हमारा लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस है। तो कोई भी कंपनी का अगर हमारे पार्ट ऑफ प्रॉफिट को रखेंगे तभी हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ऑफ मशीन्स को भी यूज हम फाइनेंस के द्वारा ही कर सकते हैं। अगर फाइनेंस नहीं तो हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ऑफ यूज ऑफ मशीन्स कैसे कर सकते हैं? तो फाइनेंस के बिना हम अपनी कंपनी को भी एक्सपैंड नहीं करते। तो फाइनेंस इज हेल्प टू एक्सपैंड आवर कंपनी। क्लियर? तो फाइनेंस क्या करता है? हमारे कंपनी का भी एक्सपेंशन और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ शेयर एंड कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ हाउ द रिटेन्ड अर्निंग हेल्प टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ शेयर एंड कैपिटल। किस तरह से हमारा रिटेन्ड अर्निंग शेयर्स और कैपिटल को इंक्रीज कर, अगर हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग रहेगा, जनरल रिजर्व रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं आज अपनी कैपिटल्स को बढ़ाएंगे, कंपनी में शो करेंगे हमारी कैपिटल्स क्या है, तो उससे हमारी वैल्यू बढ़ेगी कंपनी की।
जितने हमारे पास कैपिटल है उतने हम शेयर्स को इशू कर सकते हैं, क्योंकि शेयर्स को इशू करने का ये नहीं उसको हमको डिविडेंड भी पे, अगर हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व रहेगा तभी हम शेयर्स को इशू करें, क्या कभी भी हमको अगर प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ तो हम एज अ डिविडेंड तो पे कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा रिटेन अर्निंग ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ शेयर एंड द कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर? सो दिस आर द एडवांटेज ऑफ रिटेन अर्निंग।